Good morning, students. Today we are going to fill the chapter number 42, that is brain game. इसमें हम लोगों को दिमाग लगाना है कि क्या करना है. क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट वन हियर इट इज, व्हाट आर द नेक्स्ट टू लेटर्स इन दिस सीरीज. आपको बताना है यहाँ पे नेक्स्ट टू लेटर्स इस सीरीज में क्या है. अब सीरीज क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे जेड वी आर एन. अब इसके बाद दो और कौन से इसके साथ में ऐड होंगे वो आपको बताना है. तो ये बताने से पहले, यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करने से पहले, इसे फाइंड कैसे करेंगे लेट अस सी. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एबीसीडी लिख के रखोगे, जैसे मैंने आप यहाँ पे लिख के रखा हुआ है. अब हम लोग इस पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जेड वी आर एन के बाद दो और क्या आएगा लेटर्स. तो हम लोगों को सबसे पहले देखना है, पहले सबसे पहले क्या है, जेड. तो आप इसे सर्कल करोगे यहाँ पे, ठीक है. उसके बाद क्या है, वी, वी को सर्कल करोगे आप. उसके बाद क्या है, आर, आर को सर्कल कर लीजिए. उसके बाद क्या करना है, एन को सर्कल करोगे. कहाँ पे लिखा है, एन, हियर इट इज, ठीक है. अब आप क्या देख सकते हो, ये जो डिफरेंस है यहाँ पे, कैन यू सी दिस, डब्ल्यू एक्स वाई यू एस एस टी यू ओ पी क्यू, सारे लोग कितने डिस्टेंस पे हैं, थ्री थ्री के डिस्टेंस पे. तो जो हमारा नेक्स्ट सीरीज भी होगा एन के बाद, वो थ्री के डिस्टेंस के बाद होगा, इजंट इट. यानी के एल एम को हम छोड़ेंगे और किसको करेंगे सर्कल, जे को. तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर, जे. सो यू विल फिल इट जे. उसके बाद थ्री फिर अल्फाबेट्स को छोड़ना है यहाँ पे, लेटर्स को. उसके बाद किसको सर्कल करोगे आप, एफ को. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एफ, इजंट इट. तो इस तरीके से इजिली आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द नेक्स्ट टू नंबर्स इन दिस सीरीज. आपका नेक्स्ट टू नंबर्स इस सीरीज में कौन सा है. सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वन थ्री सेवन थर्टीन. उसके बाद क्या आएगा, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे लेट अस सी. आप ये सारे नंबर्स लिखोगे, यहां पे लिखोगे वन, हियर थ्री, देन सेवन, देन थर्टीन. अब आप देखो यहां पे क्या करने से वन में हम लोगों को थ्री मिलेगा. क्या करने से, यहां पे प्लस अगर हम टू करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, थ्री, इजंट इट. अब आप देखो कि हम थ्री में ऐसा क्या करेंगे कि हम लोगों को ये सेवन नंबर मिले. तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस फोर इक्वल्स टू सेवन. अब सेवन में ऐसा क्या करना किया जाएगा कि हम लोगों को थर्टीन मिले. सो फॉर दैट वी हैव टू एड सिक्स टू दिस, इजंट इट. अब आप एक चीज कॉमन देख सकते हो यहाँ पे, टू फोर सिक्स, ये आपका चेंज हो रहा है ना, ये तो आपका कांस्टेंट है यहाँ पे, वन थ्री सेवन थर्टीन, इजंट इट. लेकिन जो चेंज हो रहा है बार बार, यू कैन सी इट हियर, टू फोर सिक्स, यानी टू टू के ग्रेज में, यानी टू का जो टेबल होता है उसमें टू के बाद क्या आता है, फोर, फोर के बाद क्या आता है, सिक्स. तो सिक्स के बाद क्या आना चाहिए, एट. यानी थर्टीन में अगर हम लोग प्लस एट करेंगे तो क्या आना चाहिए, यस, कैन यू टेल मी द नंबर, यस, 21 आना चाहिए, इजंट इट. तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा, 21, इजंट इट. तो आप क्या करोगे, यहां पे आप लिखोगे 21. अब टू के टेबल में सिक्स आ चुका है, एट आ चुका है. अब इसके बाद क्या आएगा, 21 में हम किसे ऐड करेंगे, प्लस 10. टू के टेबल में क्या आता है एट के बाद, 10. तो ये क्या आ जाएगा, कैन यू टेल मी द आंसर, यस, 31. तो आपका नेक्स्ट सीरीज में जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 31. बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, आप लोग भी इसे सॉल्व कर सकते हो बहुत ही इजिली. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेजर फॉर मेजर. इन दिस कॉलम वन से आपको कॉलम टू को क्या करना है, मैच करना है. सो इन दिस द फर्स्ट वन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस में क्या होता है, यू ऑल नो, 100 डिग्री. तो आप यहां पे क्या मार्क करोगे, एफ में वन, यू विल मार्क इट हियर वन नंबर. सेकेंड इट इज किलोग्राम इन अ क्विंटल, कितना होता है, 1000.
इजंट इट? कहां पे है वो लिखा हुआ? यस, 1200 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 12 को तो क्या आ जाएगा यहां पे? 1000. सो वी विल मार्क इट हियर टू नंबर. थर्ड इट इज डेज इन अ लीप ईयर. कितना होता है लीप ईयर में डेज? यस, कितना होता है? 366. सो वी विल मार्क इट हियर थर्ड नंबर. इंचेस इन अ फुट कितना होता है? यस, 360 को अगर हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए? 36 को. हाँ, अगर हम लोगों को 360 को 30 से डिवाइड करना है तो सबसे पहले क्या लेंगे? 1 30, isn't it? एंड 6 0, देन हाउ मच? 2 30 60. कितना हो गया ये? 12. तो आपका कितना आ जाएगा ये? 12. तो यहां पे कहां पे आप मार्क कर सकते हैं? 360 डिवाइडेड बाई 30 इंचेस इन अ फुट. नेक्स्ट इट इज सेकेंड्स इन एन आर, isn't it? तो ये कितना होता है? यस, 60 into 60, दैट इज हाउ मच? यू ऑल नो वेरी वेल. सो वी विल मार्क इट हियर फिफ्थ नंबर. सिक्स्थ, क्विंटल्स इन ए मेट्रिक टन, हाउ मच इट इज? 20 divided by 2, दैट इज 10. यू विल मार्क इट हियर सिक्स नंबर. सेवेंथ वन, इंचेस इन अ यार्ड कितना हो जाएगा ये? 144 divided by 4 करेंगे, जो भी आएगा दैट इज द इंचेस इन अ यार्ड, जैसे मैंने आपको बाकी सब बताया. एट्थ नंबर, मिलीमीटर्स इन अ मीटर, दैट इज 1000. सो यू विल मार्क इट हियर एट्थ नंबर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन डी, फिल इन द बॉक्सेस विद द सेम नंबर. आपको सेम नंबर से फिल करना है. तो 27 में हम अगर लाना है हमें तो क्या करेंगे? अगर 9 हम लोग यहां पे 9 9 9, तो क्या आ जाएगा? 27 9 3 27, isn't it? तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो? 3 9 27. सेकेंड नंबर आप खुद सॉल्व करोगे जैसे मैंने आपको बताया है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फिल द चैप्टर नंबर 43, दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग. इसमें भी क्या करना है आप लोगों को? कोडिंग करना है, जैसे हम लोग पिछले वाले चैप्टर नंबर 42 में किए. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आप एबीसीडी ऐसे नंबर्स दे करके राइट डाउन कर लोगे. ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आपको डिकोड करना है फॉलोइंग कोडेड वर्ड्स यूजिंग दी फॉलोइंग कोड्स. यहाँ पे जो कोड्स दिए गए हैं आपको डिकोड करना है. यहाँ पे पहला है 18 नंबर पे क्या दिख रहा है आपको? आर. तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? आर. सेकेंड इट इज 15 नंबर पे कौन है? ओ. ओ है, isn't it? ओ. सो यू विल राइट हियर ओ. ओके, नाउ 25th नंबर पे क्या आता है? वाई. सो यू विल राइट इट डाउन हियर वाई. फर्स्ट ए नंबर 1 A, देन 12th नंबर पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? एल. सो यू विल फिल इट हियर एल. इस तरीके से आपको क्या करना है? ये सारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको सॉल्व करना है. नाउ वी आर गोइंग टू फिल द चैप्टर नंबर 44, दैट इज इनडेलिबल स्टार्स. यहां पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं कुछ फेमस स्टार्स के, और आपको क्या करना है? उनसे रिलेटेड जो क्लूज दिए गए हैं उनका हेल्प लेकर के आपको उनका नाम बताना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सो द फर्स्ट वन, ही वॉज अ सिंगर एंड एक्टर, अ कंपोजर एंड फिल्म मेकर. हु इज ही? ये कौन है? सिंगर भी थे, एक्टर भी, और कंपोजर भी, और फिल्म मेकर भी. सो हु इज दैट? ये आपको पिक्चर देख के समझ में आ रहा होगा. ही इज किशोर कुमार. सो यू विल राइट इट डाउन हियर किशोर कुमार. KISHOR किशोर, ई किशोर कुमार. KUMAR किशोर कुमार. सेकेंड नंबर, शी वॉज अ गेट स्टार, शी प्लेड द रोल ऑफ सुनील दत्त्स मदर इन द फिल्म मदर इंडिया. नेम हर. कौन था वो पर्सन? यस, नरगिस दत्त. सो यू विल फिल इट हियर NARGIS नरगिस दत्त. DUTT नरगिस दत्त. थर्ड नंबर, वी हैव बोथ ऑफ देम वेयर ग्रेट फिल्म स्टार्स इन साउथ इंडिया, वन इन तेलुगु फिल्म्स एंड द अदर इन तमिल फिल्म्स. बोथ ऑफ देम बिकेम चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. हु वेर दे? आपको यहाँ पे जो पिक्चर्स है आपको बताना है कि ये पर्सन कौन है दोनों. सो द पर्सन नेम इज
द फर्स्ट पिक्चर एज यू कैन सी ही इज एंटी रामा रॉय एंड ही इज डॉक्टर एम जी रामा चंद्रन. सो यू विल फिल इट हियर. एंटी एन टी रामा आर ए एम ए रामा रॉय आर ए ओ रॉय एंड सेकेंड पर्सन नेम इज डॉक्टर एम जी रामाचंद्रन. सो यू विल फिल इट हियर आर ए एम ए सी एच ए एन डी आर ए एन रामाचंद्रन. नेक्स्ट इट इज नेम दिस ग्रेट फिल्म दैट वॉज रिलीज अगेन इन कलर इन 2004 मेनी ईयर्स आफ्टर इट वॉज मेड. सो विच फिल्म इट इज? यस इट इज मुगल ए आजम. सो यू विल फिल इट हियर एम यू जी एच ए एल मुगल ए आलम आजम ए जेड ए एम आजम मुगल ए आजम. दिस पोस्टर यू ऑल आर नो फेमिलियर विद दिस. द एवर पोस्टर इज ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदी फिल्म एवर मेड. इट वॉज डायरेक्टेड बाय रमेश सिपी. नेम इट. विच फिल्म इट इज? शोले एस एच ओ एल ए वाई शोले. सो यू विल फिल इट this chapter also, chapter number 44 also. Now we are going to fill the chapter number 56 that is brain teaser. इसमें से हम आपको दो questions बताएंगे और rest आपको क्या करना है? खुद से solve करना है. So let's start with the first one. Here in this question, what it is asked, can you move just 3 coins and fill this triangle upside down? आपको सिर्फ इसमें से 3 triangles को ही क्या करना है? मूव करना है, एडजस्ट करना है और इसे फ्लिप करना है ट्रायंगल को अपसाइड डाउन. सो व्हाट वी विल डू. सबसे पहले हम लोग इसको आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है और हम लोगों को 3 ही मूव करना है. तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एक है इजंट इट. हम क्या करेंगे, यहां से एक उठाएंगे. वी विल पुट हियर. ओके, 1 हमने यहां से उठा लिया है. दिस वन विल मूव हियर, सबसे ऊपर लेके जाएंगे. 2 coins we have moved, 1 more we will move from this, then it will come here. तो यहां पे कितना बच गया? Only 1. और यहां पे क्या है आपका? 2 already है यहां पे, isn't it? और 3 आपका क्या है? Already वहां पे. और 1 आपका क्या है यहां पे? Isn't it? यहां है ना? ठीक है? Let us do it once again. जैसे यहां पे एक already है यहां पे, ठीक है? अब यहां पे क्या करेंगे हम? एक यहां से add करेंगे. We have put here. ओके, ये हमारा 2 हो गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहां पे आपको 2 दिख रहा है, इजंट इट? इसको बनाएंगे हम 3. तो यहां पे क्या करेंगे? 1 2 3. सबसे ऊपर ले जाएंगे हम यहां से 2 कॉइन्स, 1 2. ठीक है, अब यहां पे कितना बच, ये हो जाएगा, हम यहां से हटाएंगे तो यहां पे कितना बच जाएगा? 2. लास्ट में कितने बच जाएंगे? 1. तो ये आपका एक ट्रायंगल क्रिएट हुआ हो गया. और आप देख सकते हो कि यहां पे एक हमने मूव किया है, यहां पे मूव किया और देखिए सिर्फ 3 कॉइन्स को ही हमने क्या किया है? एडजस्ट किया है. इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो सेकंड नंबर को. नेक्स्ट कम्स दी बॉक्स. दिस इमेज है दिस बॉक्स. अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? लेट अस सी. यहां पे एक है, 1 हियर डॉट, 1 हियर, 1 इज हियर, 1 इज हियर, 1 मोर इज हियर here. अब इसे ड्रॉ कैसे करेंगे? पीना, यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल. एज यू कैन सी विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल यू कनेक्ट ऑल ऑफ द डॉट्स अलोंग साइड विथ ऑल स्ट्रेट 4 स्ट्रेट लाइन्स. अब बिना उठाए हुए पेंसिल को कैसे करना है? सो वी विल फर्स्ट ड्रॉ इट फ्रॉम हियर. वी विल मूव ऑन टू हियर. जैसे इस लाइन को कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू दिस लाइन. We will move to this line and next we will draw this line. क्या हो गया? बिना पेंसिल उठाए हमने क्या किया यहाँ पे? ड्रॉ कर लिया सारे साइड्स को, isn't it? इसे हम कहते हैं थिंकिंग बियॉन्ड द बॉक्स और इमेजिनेशन. ओके, रेस्ट ऑल द क्वेश्चंस यू विल डू इट बाय योरसेल्फ. नाउ वी आर गोइंग टू फिल द चैप्टर नंबर 57 दैट इज स्पोर्ट्स वोकैब. राइट द नेम ऑफ द स्पोर्ट बिलो ईच पिक्चर. स्पोर्ट का नाम लिखना है आपको हर एक पिक्चर के नीचे. ड्रॉ लाइन्स टू मैच द स्पोर्ट्स टर्म्स इन द लैडर टू करेक्ट पिक्चर. करेक्ट पिक्चर से आपको मैच भी करना है.
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा गेम है, ये आपका यहाँ पे बास्केट है, यहाँ पे बॉल है. सो द गेम नेम इज बास्केट बॉल. सो यू विल फिल इट या BASKET बास्केट. ओके बास्केट बॉल है तो ये बास्केट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बास्केट बॉल BALL. अभी इसमें जो टर्म यूज होता है वो क्या है, डंक. सो वेयर इट इज रिटन या हियर इट इज. सो यू विल मैच इट हियर. नेक्स्ट गेम इट इज सेकेंड पिक्चर यू कैन आइडेंटिफाई विच गेम इट इज गल्फ. GOLF गल्फ. इसमें जो यूज होता है टर्म, विच टर्म इट इज, कैन यू से इट हियर, टी. ओके यू विल मैच इट विद द सेकेंड नंबर. नेक्स्ट थर्ड नंबर इट इज विच गेम इट इज फुटबॉल. FOOT फुट BALL फुटबॉल. फुटबॉल में क्या यूज होता है, यस पेनालिटी किक. सो यू विल मैच इट विद दिस. नेक्स्ट फोर्थ नंबर इट इज विच गेम इट इज, यू ऑल कैन टेल मी. यस इट इज बिलियर्ड्स. सो यू विल राइट इट डाउन हियर BILLIARDS बिलियर्ड्स. और इसमें जो टर्म यूज होता है दैट इज फ्रोजन बॉल. सो यू विल मैच इट विद दिस. नेक्स्ट गेम इज विच गेम इट इज, हियर द पिक्चर, यस इट इज क्रिकेट. CRICKET क्रिकेट. और क्रिकेट में क्या यूज होता है, गुगली. सो यू विल मैच इट दिस विद दिस गुगली. नेक्स्ट द लास्ट वन इट इज विच गेम इट इज टेनिस. सो यू विल राइट इट डाउन हियर टेनिस TENNIS टेनिस. और टेनिस में क्या यूज होता है, ए. सो द फर्स्ट वन हियर इट इज ए. So you will match it there with the egg. So what you have to do is you will fill all these chapters and you will learn these chapters thoroughly. That's all for today. Thank you.